हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के अपने इस प्रोग्राम में आज हम आपसे बातचीत करेंगे तेल के बारे में। तेल के बारे में विशेष रूप से आज के प्रोग्राम में हम लोग बातचीत करेंगे कि आपको रिफाइंड ऑयल का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, और सरसों तेल का या फिर किसी भी प्राकृतिक तेल का, जैसे सरसों का तेल, मूँगफली का तेल, तिल का तेल का प्रयोग हमें, नारियल का तेल क्यों करना चाहिए, और कैसे हमारे लिए ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, और रिफाइंड ऑयल जो हमारे घर घर में प्रयोग हो रहा है वो हमारे शरीर के लिए किस तरह एक जहर का काम कर रहा है, और उससे हमारे शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो रही है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम को अंत तक अवश्य सुने, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि क्यों हमें रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और क्यों हम जो सरसों तेल, तिल का तेल, मूँगफली का तेल या फिर नारियल का तेल प्रयोग करते हैं उसे हमें नित्य प्रयोग करना चाहिए, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। दोस्तों, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और ज़िंदगी भर किसी भी समस्या से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी का, किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल, पॉम ऑयल, डालडा या किसी भी तरह का वनस्पति तेल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो कुछ भी हम पहले से, जैसे जो कुछ भी तेल का सेवन करते आ रहे हैं, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या मूँगफली का तेल, यह तेल दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, और नित्य हमें दोस्तों इसी तेल का प्रयोग करना चाहिए। और इन तेलों में दोस्तों, जो भी आपके लिए, इन तेलों में जो कुछ भी आपके तासीर, आपके शरीर को सूट करे, जिसका स्वाद आपको तेल को अच्छा लगे, उस तेल का प्रयोग करें। अगर आपको सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल या मूंगफली का तेल, जो कुछ भी तेल ज़्यादा पसंद है दोस्तों, आप उसी तेल का प्रयोग करें, लेकिन कभी भी रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, डालडा इत्यादि का सेवन नहीं करें। परंतु दोस्तों, यह कोशिश होनी चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्रों या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तिल का प्रयोग ज़्यादा हितकारी है। जो समुद्री किनारों में, समुद्री प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए नारियल का तेल बहुत ही फायदेमंद होगा। और गर्म क्षेत्रों में रहने वाले, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए सरसों का तेल प्रयोग उनके लिए अधिक फायदेमंद देगा। साधारणतः दोस्तों, सरसों का तेल सभी प्रदेशों में अगर प्रयोग किया जाए तो ये साधारण रूप से सभी के लिए स्वास्थ्यकर है, लेकिन विशेष रूप से सरसों का तेल गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, जो कुछ भी हम तेल प्रयोग करते हैं उसमें जनरली लोगों की ये शिकायत होती है कि तेल में एक बास होती है, यानी महक होती है, और तेल में अधिक चिकनाई होती है, जो कि उन्हें बास पसंद नहीं आती है, और ये चिकनाई उनके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन दोस्तों, तेल की यही चिकनाई और तेल की क्या यही बास हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर तेलों में जो चिकनाई पाई जाती है, उन चिकनाई में हमारे लिए ज़रूरी नेचुरल ऑर्गेनिक कंटेंट इत्यादि पाए जाते हैं। विशेष रूप से हम इन नेचुरल ऑर्गेनिक कंटेंट के माध्यम से हमारे शरीर में अनेक प्रोटीन की उपलब्धि होती है। विशेष रूप से दाल के बाद हमारे शरीर में जितने भी अधिक प्रोटीन की हमारे शरीर में आपूर्ति होती है, यानी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को मिलते हैं, उसी तरह से दाल के बाद हमारे शरीर को जो प्रोटीन अवयव की प्राप्ति होती है वो तेल के माध्यम से ही प्राप्त होती है। यानी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को 4 से 5 तरह के प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर हम इन बास को, इन चिकनाई को अगर हम रिफाइन करवा के अगर उनके अवयवों को समाप्त कर देते हैं, तो दोस्तों उसके बाद जो कुछ भी हमारे शरीर को प्राप्त होता है वो एक सिट्ठी उसे कह सकते हैं, या उसे छूछ कह सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी उसके अवयवों को निकाल देने के बाद जो हमारे लिए शेष रह जाता है वो हमारे लिए यूजलेस है, जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं रिफाइंड ऑयल के नाम से, जो हमारे लिए बहुत ही जहरीला है। जनरली दोस्तों, इन अवयवों के अलग हो जाने से रिफाइंड के नाम पर जो घर घर में प्रयोग किया जा रहा है, उनके रिफाइंड ऑयल के कारण हमारे शरीर में अनेक समस्याएं हो रही है, जैसे घुटनों का दुखना, कमर का दुखना, हड्डियों के दर्द की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, पैरालिसिस की समस्या, ब्रेन डैमेज होना, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, इसके जैसे अनेक समस्याएं दोस्तों, ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हमें जानकारी के अभाव में ध्यान नहीं देने के कारण ये समस्या हमारे शरीर को हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम सरसों तेल का अगर नित्य रूप से प्रयोग करते हैं, तो उन सरसों तेल के कारण या फिर जो कुछ भी रिफाइंड ऑयल अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो तेल के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर में फैटी एसिड, प्रोटीन इत्यादि की समुचित मात्रा हमारे शरीर में जाती रहती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जनरली दोस्तों, रिफाइंड ऑयल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी
गैस संबंधित विकार, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, एसिडिटी की समस्या, उसके साथ इनडाइजेशन की समस्या आम समस्या हो जाएगी। और इन सभी कारणों के कारण जो हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उन सभी रोगों की दोस्तों हमारे शरीर में शुरुआत हो जाएगी। अतः दोस्तों रिफाइंड ऑयल के अनेक दुष्प्रभाव हैं, अतः दोस्तों हमें रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जनरली दोस्तों रिफाइंड ऑयल जो घर घर में प्रयोग हो रहा है उसमें उसे जो तेल के माध्यम से बनाते हैं, जनरली होता क्या है कि रिफाइंड ऑयल को जो शुरू में निर्माण किया जाता है उसमें शुरू में प्रारंभिक तौर पर अगर उसे रिफाइंड किया जाता है तो उसमें 6 से 7 तरह इन ऑर्गेनिक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वही केमिकल का प्रयोग करते हैं जो हमारे प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। अतः इसी रिफाइंड को अगर प्रक्रिया को अगर दोबारा किया जाता है तो उसमें केमिकल की संख्या भी दोस्तों बढ़ जाती है, यानी कि दोस्तों उस समय केमिकल की संख्या 12 से 13 हो जाती है। यानी कि अगर हम अगर रिफाइंड ऑयल जो कि डबल रिफाइंड के नाम से हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर उस डबल रिफाइंड ऑयल के अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें केमिकल की संख्या भी बढ़ जाती है, यानी 12 से 13 प्रकार के रिफाइंड का प्रयोग हम लोग करते हैं। रिफाइंड बनाने में दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो केमिकल का प्रयोग होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कुछ भी होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और विश्व में जितने भी तरह के केमिकल या फिर जहर या फिर पॉइजन युक्त जो कुछ भी पदार्थ का निर्माण होता है वो सभी इनऑर्गेनिक केमिकल के माध्यम से ही होता है। अतः दोस्तों ये समझना आपके हिस्से का विषय है कि अगर प्राकृतिक तेल जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिकल के माध्यम से 12 से 13 प्रकार के केमिकल के सहयोग से उसे रिफाइंड कर हम प्रयोग कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल के नाम से, क्या यह सही में आपके हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों? अतः दोस्तों ये आप ये अच्छी तरह से अवश्य समझ लें। हमारी भी सलाह है कि दोस्तों यह तेल कतई भी आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं। दोस्तों एक और साधारण सा समझने का तरीका ये है कि दोस्तों कि क्या आप कभी भी इन रिफाइंड ऑयल को आप अपने मस्तिष्क में यानी बालों में लगाते हैं? क्या इन रिफाइंड ऑयल को कभी भी आपने अपने शरीर के मालिश के लिए प्रयोग किया है? तो दोस्तों आपका आपके लिए इसका जवाब होगा नहीं। कभी भी दोस्तों आपने रिफाइंड ऑयल को अपने बालों में नहीं लगाया है, अपने शरीर में मालिश के लिए नहीं लगाया है, अपने बच्चों को इसके मालिश के लिए प्रयोग नहीं किया है। तो क्या दोस्तों वैसा तेल जो आपके शरीर के लिए बाहरी तौर पर प्रयोग करना नुकसानदायक है और वैसा प्रयोग आपके शरीर में आंतरिक रूप में आपके शरीर में अगर वो तेल किसी न किसी माध्यम में जाकर वो आपके लिए कितना हितकारी होगा? यानी दोस्तों तेल या रिफाइंड ऑयल किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं। अतः दोस्तों रिफाइंड का ऑयल का प्रयोग आपको बिल्कुल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जनरली अगर तेल का जो बास होता है, जो महक होती है, या तेल का जो चिपचिपापन होता है उसे अगर हम लोग अगर बाहर निकाल देते हैं तो उसमें तेल के बाद जो अवयव बचे रह जाते हैं, जो बचे लिक्विड पदार्थ बचे रह जाते हैं वो कुछ और नहीं केवल चिट्ठी है, केमिकल युक्त पदार्थ है जिसे हम रिफाइंड ऑयल के नाम से जानते हैं और इसे हम घर घर में प्रयोग कर रहे हैं। जनरली जो तेल प्राकृतिक तेल सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल या फिर नारियल का तेल हम प्रयोग करते हैं उसके चिपचिपे के कारण, उसमें बास के कारण उसमें प्रचुर मात्रा में HDL मौजूद होता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी ये वह अच्छा तेल है, वह अच्छा चिपचिपापन है, वह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा बास महकयुक्त तेल है जिसे हम हमारे शरीर में स्वस्थ बनी रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, विशेष रूप से हमारे हृदय रोग की संभावना इसके कारण नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा यह पुनः निवेदन है कि दोस्तों आप सरसों तेल का, इन प्राकृतिक तेलों का ही प्रयोग करें। विशेष रूप में दोस्तों आजकल हमारे देश में करीब 25-30 साल से रिफाइंड ऑयल या फिर पॉम ऑयल का प्रचलन बढ़ा है या फिर डालडा का प्रचलन बढ़ा है। दोस्तों ये जो कुछ भी रिफाइंड ऑयल, डालडा, पॉम ऑयल, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए कतई भी फायदेमंद नहीं है। विशेष रूप से पॉम ऑयल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट होते हैं। दोस्तों ये ट्रांस फैट वही फैट हैं जो किसी भी तापमान पर कभी भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब हम इन पॉम ऑयल का प्रयोग अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि वो पॉम ऑयल जो आप हमारे शरीर में जाकर डिजॉल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, तो वो हमारे शरीर में जाकर तरल रूपी में तैरते रहेंगे, वो हमारे शरीर के लीवर को, अनेक अंगों को डैमेज करेंगे और दोस्तों इसके कारण हमारे शरीर में हृदयाघात, ब्रेन हैमरेज,
पैरालिसिस की शिकायत, डायबिटीज़ की शिकायत, ब्लड प्रेशर की समस्या आम समस्या हो जाएगी और ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अतः दोस्तों हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि स्वस्थ रहने के लिए, लंबी आयु के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए और डॉक्टरी इलाज से बचने के लिए, आर्थिक तनाव से मुक्ति के लिए और परिवार के साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आपको इनका प्रयोग बिल्कुल से भी नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल या डालडा का सेवन आप बिल्कुल से भी नहीं करें। दोस्तों आप केवल सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या मूंगफली का तेल, जो किसकी भी तासीर, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उसका नित्य प्रयोग करें दोस्तों। ये आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यकर है, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि दोस्तों आपको जो रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं वो कितना जहरीला है, वो हमारे शरीर के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक ही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर ये प्रोग्राम दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों से इस प्रोग्राम को निश्चित रूप से शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत होकर स्वास्थ्य लाभ ले सकें। और हमारे दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को अवश्य दबाएँ। इससे जो कुछ भी आपके स्वास्थ्य संबंधित हम नेक्स्ट अपडेट देंगे, इसकी जानकारी आपको स्वतः मिलती रहेगी और आप स्वास्थ्य लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद।